ग्वालियर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा सवार दंपति को जेब काटकर लाखों के गहने चोरी करने वाले कंजर गिरोह के एक सदस्य को कन्नौज से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से वेश कीमती पुश्तैनी जेवरात को बरामद किया है। वहीं बरामद जेवरात की कीमत 22 लाख रुपए से अधिक है। पकड़े गए कंजर गिरोह के सदस्य का एक साथी अभी हत्या के प्रयास के मामले में कन्नौज यूपी जेल में बंद है। वहीं बता दें कि पुलिस उसे भी प्रोटेक्शन वारंट पर लाकर पूछताछ की तैयारी कर रही है। जेवरात वापस मिलने पर फरियादी पक्ष ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस कर्मियों का सम्मान भी किया। 23 मार्च 2024 एक चोरी का एफआईआर दर्ज हुआ था महाराजपुर अनुभाग में कान्हा जिला में। इस घटना ऐसा है कि एक सोनी अपने परिवार के साथ भिंड के अमायन से बस में भोले के मंदिर में उतर के एक टमटम बुक किया। ये टमटम बुक किया तो एक और आदमी टमटम चालक से बात करके इनके गाड़ी में बैठ गया। फिर चार शहर के नाके पहुंचते वक्त ये हजीरा जा रहा था, चार शहर के नाके पहुंचते वक्त ये जो व्यक्ति जो सामने बैठा था उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मेरे पैर में थोड़ा इश्यू है, मैं पास में बैठ जाऊँ, तो इन्होंने अलाउ किया। वे फिर साथ में बैठ गया। जैसे ही चार शहर के नाक का पहुंच गया ये व्यक्ति ने गाड़ी रोक के भाग गया। तो जब ये भागा जो फरियादी रियलाइज़ हो गया कि अपने जेब काट चुका है, इन्होंने भी पीछे भागा। बट वो व्यक्ति भाग के पीछे एक मोटरसाइकिल आ रहा था उनके साथ ही, तो मोटरसाइकिल के पीछे वाला सीट में बैठ के फरार हो गया। तो इस घटना को लेके थाना हजीरा में एक एफआईआर दर्ज हो गया चोरी का, और इसमें नागेंद्र सिकरवा सीएसपी टीआई शिवमंगल सिंह सेंगर इनके नेतृत्व में लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसमें तीन टीम बनाया गया था, सब इंस्पेक्टर रागिनी बनहार परमार, सब इंस्पेक्टर संदेश भदौरिया और सब इंस्पेक्टर हरेंद्र भदौरिया। इन टीमों के नेतृत्व में लगातार इन्वेस्टिगेशन पिछले दिनों में कर रहा था। और ये फुटेज देख देख के ये लोग पहुंच गए यूपी का कन्नौज शहर में। तो 250 किलोमीटर ये जो गैंग, दो व्यक्ति का गैंग है, ये कंजर कम्युनिटी के बिलोंग करते हैं, ये लोग इधर से निकल के 250 किलोमीटर बिना रुक के कंटिन्यू ट्रैवल किया। वो पूरा हमने ट्रेस करके कन्नौज से इनका पता किया। कन्नौज से एक व्यक्ति, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पता चला कि दूसरा आरोपी जेल में बंद है अभी। तो उस आरोपी के पोजेशन से जो चला गया माल, उसमें बड़ी मात्रा में सोने का कुल 22 लाख के ऊपर का वैल्यू है उसका। ऊपर से इसमें एक नेकलेस है और एक कर्दोनी है। एक नेकलेस एंटिक वैल्यू भी है उसका, 100 साल के पुराना इनका फैमिली प्रॉपर्टी है। वो भी इसमें चोरी हुआ था, वो भी अभी रिकवर हो गया है। दोनों माल कुल मिला के 22,50,000 रुपीज़ का मशरूका है, और कुल 300 ग्राम का सोने का है। ये दोनों अभी रिकवर हो गया है और एक आरोपी अभी गिरफ्तार हुआ है। दूसरे आरोपी के लिए हम प्रोडक्शन वारंट जारी करेंगे, उसको भी गिरफ्तार करेंगे। और शहर में अन्य कोई थाने में इन्होंने कोई वारदात किया है उसके बारे में भी अभी पीआर में लेके इनसे पूछताछ की जा रही है।